गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं ग्रामीण विकास की और रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल एजुकेशन, रूरल बिजनेस, एग्रो बिजनेस, जो ढेर सारे नामों से अनेक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सिलेबसेस चलाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स द्वारा, आज हमें जमीन पर उतरना पड़ेगा, फंक्शनल प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। जो मैं कहना चाहता हूँ, कागजी कार्रवाई काफ़ी हो रही है, इसके लिए बहुत साधारण शब्दों में ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ नहीं बढ़ूँगा, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ूँगा कि सरकार की एक अच्छी योजना चल रही है, इसके लिए सरकारी साधुवाद के पात्र हैं। केंद्र सरकार की 25% सब्सिडाइज किया जा रहा है डेयरिंग को, तो युवा इसमें अपना हाथ आजमाएं, ग्रामीण भारत इसको अपना एक मजबूत रोजगार का माध्यम बनाए, तक दूध क्रांति में हमारा योगदान दे सकें। वाइट रेवल्यूशन इज द नीड ऑफ रूरल इंडिया। और मैं बैंकिंग अधिकारियों से विशेष रूप से कहूँगा कि वो किसानों को मेले लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ देने के लिए आगे आएँ। कागजी कार्रवाई के नाम पर स्वयं लिपि के कार्य को संपादित करें, इससे उनमें थोड़ा सा रुख, एक प्रकार से मैं कहूँगा कि वो लोग डीलिंक हो जाते हैं, यानी कागजी कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए बड़ा सिरदर्द समानते हैं, तो सरलता पैदा करें और इस डेयरिंग प्रोग्राम को, ये जो नई शिक्षा नीति जो आई उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा 2020 में कि जैसे डेयरिंग का ये प्रोग्राम लोन बटेगा, निश्चित रूप से दूध का उछालन आता है, जितना ज़्यादा सब्सिडाइज अमाउंट जाएगी वहाँ पूंजी के निवेश का अभाव झलक रहा है। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र तो एक प्रकार से चमका हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं, चारों तरफ बहुत निवेश आ रहा है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र निवेश के नाम पर भी बहुत पीछे हैं, और डेयरिंग सीधा से उनका निवेश का सीधा साधन और वहाँ उसके अनुकूल सब चीज़ें हैं, तो डेयरिंग को प्रमोट किया जाए और 25% सब्सिडी के साथ इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करवाया जाए, और डेयरी का करियर जैसे आगे बढ़ेगा उससे वहाँ डेयरिंग एजुकेशन यानी बच्चों की जो शिक्षा है ग्रामीण क्षेत्र की, उनको ज़्यादा मानवीय की विषय से जुड़े महाविद्यालय की जरूरत नहीं है, जो थोड़े से बड़े कस्बानुमा गाँव हैं वहाँ वेटरनरी कॉलेजेस की संख्या बढ़े, वेटरनरी कॉलेजेस और डेयरिंग नॉलेज, डेयरिंग साइंस, डेयरी साइंस की जो मैं बात करूँ, डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करूँगा, ये दो विषय ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाए जाएँ, उनकी 90% बच्चों के लिए और स्वयं के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है। और इसके लिए मैं बार बार कहता भी रहा हूँ, कुहाड़वास ग्राम पंचायत जो देश की 2 लाख ग्राम पंचायतें हैं उनमें रोल मॉडल के रूप में विकसित होने के लिए प्रयास कर रही है, अन्य अपनी साथी पंचायतों के मार्गदर्शन के लिए, और यदि राजस्थान सरकार या केंद्रीय कोई एजेंसी अगर कुहाड़वास ग्राम पंचायत में वेटरनरी साइंस के लिए या डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए कोई अगर संस्थान स्थापित करना चाहे, तो 2 करोड़ रुपये ग्राम पंचायत ने पहले भी कहा कि वो राज्य सरकार को अनुदान लेने का काम नहीं करती है, कि ग्राम पंचायत अनुदान देने का काम करती है, अगर राज्य सरकार भी अपना संस्थान स्थापित करती है 100 करोड़ की लागत का, तो 2 करोड़ स्वयं ग्राम पंचायत जो है सब्सिडाइज करेगी राज्य सरकार को, बामासा कहें या क्या कहें, ये भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को प्रेषित किया जा रहा है। और इस कार्य के लिए महिला वेटरनरी कॉलेज अगर सरकार या कोई अन्य उद्योग जगत, इनको भी आजकल इस तरह कहा गया अपने लाभांश में से 2% या कुछ डालने नेक कार्यों में, अगर कोई आगे आता है, टाटा महिंद्रा और अन्य जो भी ग्रुप आजकल एक से एक ग्रुप मारुति जो भी रोल वेटरनरी कॉलेज, वेटरनरी साइंस का कॉलेज जो है उसके लिए, और बाकी ग्राम पंचायत अपनी तरफ से 2 करोड़ रुपये ग्राम पंचायत सदस्य ग्रामवासी मिलकर अनुदान देने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। इसके लिए इन सरकारों से मैं कहूँगा कि वो कुहाड़वास के लिए अपने अधिकारियों को निर्देशित करें,
और ग्राम पंचायत से संपर्क साधे, अधिकारी साधे, क्योंकि यही भाव बदलना पड़ेगा कि ग्राम पंचायत के लोग इतनी पॉजिटिविटी साथ जब आगे बढ़ रहे हैं तो इनके अधिकारी वहाँ पहुँचे इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।